सीहोर जिले के रेहटी पुलिस ने नकली नोट छापकर चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी द्वारा ग्राम बाया में देसी शराब की दुकान पर नकली नोट खपा रहा था, तभी सेल्समैन राजेश सिंह ने रेहटी पुलिस को सूचना दी कि उसकी दुकान पर एक युवक शराब लेने आया है, जो कि वह नोट दे रहा है वो मुझे नकली लग रहा है। तभी रेहटी पुलिस ने तत्काल सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और वहां से आरोपी मुकेश पिता रामविलास नायर निवासी कीर माकोड़िया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 के 3 नकली नोट बरामद किए हैं। युवक ने पूछताछ में बताया कि वह बाहर से नकली नोट छपाकर क्षेत्र में चला रहा था। वहीं रेहटी पुलिस ने आरोपी मुकेश नायर पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा कायम कर आरोपी को न्यायालय पेश किया। संवाददाता संजय अग्रवाल की रिपोर्ट। विगत रात की लगभग 11:30 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम बाया में शराब की जो दुकान है वहाँ पे राजेश प्रताप सिंह ने सूचना दी कि हमारी कलारी दुकान पर शराब खरीदने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने नकली नोट 2-5 500 के दिए और शराब खरीदी। उसको ये लगे जब पाया कि नकली नोट है तो उसकी सूचना पर से तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और जब पाया कि नकली नोट है तो उसका संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई निगरानी कार्रवाई की गई और उससे जो नकली नोट है उससे वो जब्त किए गए। उसके आधार पे जिसके द्वारा ये नोट लिए गए थे उनको उनके द्वारा पकड़ लिया गया था। तो मुकेश पिता रामविलास कीर है, जो मकोड़िया कीर के रहने वाला है, उसको पुलिस ने अपने अभिरक्षा में लिया और ला करके उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने बताया कि ये नकली नोट है, उसके द्वारा ये जो यहाँ पर दिए गए थे शराब दुकान के अलावा अन्यत्र और भी जगह दुकानों पे इसके द्वारा दिए गए हैं, जिस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और ये रिपोर्ट पर से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपी मुकेश को हमने धारा 489 के A, B और C के तहत हमने उसको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिससे हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उसका पुलिस रिमांड लेंगे, जिससे हम गहन पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद जो भी इसमें लिप्त होंगे उनके